गाइस, कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्लैश विद अवेज में, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज, जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके बिल्डर बेस एज वेल एज होम बेस में। तो उम्मीद है आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे अब तक के। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं और लाइक किए हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए, उन्हें मैं कह दूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो आपको इजीली मेरे नए वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाइब्रिड स्ट्रेटजी टाउन हॉल 10 के लिए। इस वीडियो में वही स्ट्रेटजी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, और वो है टाउन हॉल 11 के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि अब मैं टाउन हॉल 12 हो चुका हूँ, तो मेरे फ्रेंड की आईडी ली है मैंने, तो उसको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, उसने मुझे आईडी दी वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं टाउन हॉल 11 के लिए हाइब्रिड स्ट्रेटजी। लेट्स गो फॉर इट। ये आप देख सकते हैं मेरी आर्मी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैंने लिए है 2 सुपर वॉल ब्रेकर्स, 2 बलून, 1 विजार्ड, 5 हीलर्स, 1 बेबी ड्रैगन, 15 माइनर्स और 12 हॉग राइडर्स। स्पेल्स आप देख सकते हैं, 3 हील स्पेल, 2 रेज, 1 फ्रीज। और क्लैन कासल टूल्स में मैंने लिए है 7 हॉग राइडर्स, 1 फ्रीज, 1 पॉइजन और सीज बैरेक्स। हीरोज भी मेरे सब है। सो गाइस, लेट्स गो फॉर द अटैक। ये बेस आप देख सकते हैं टाउन हॉल 11 का है, दोनों इन्फर्नोज इसके मल्टीपल पे है। सो गाइस, ये स्ट्रेटजी में हमको क्या करना होता है मैं आपको बस समझाता हूँ। पहले आपको क्लैन कासल की पोजीशन देखनी होती है और आपको वहीं उसके तरफ से क्वीन वॉक शुरू करना होता है। इस अटैक स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपको पहले क्वीन चार्ज करना होता है, तो मोस्ट ऑफ द बेस आपका क्वीन ले जाती है, और जैसे ही क्वीन क्लैन कासल की रेंज में आए तो आपको चेक करना है कि क्लैन कासल में से ट्रूप्स निकल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं निकल रहे तो फिर आप आपका मेन अटैक चालू कर सकते हैं, और निकल रहे तो जब तक क्वीन उनको टैकल ना कर ले तब तक हमें वेट करना होता है। गाइस, इस स्ट्रेटजी में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है ये। सीरीज का एक लिमिटेशन है कि टाइम फेल बहुत होता है, सो टाइम फेल ना हो और आपका अटैक इजीली 3 स्टार हो, तो वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, अलग अलग बेसिस पे कैसे टैकल करना है, कैसे क्लैन कासल ट्रूप्स को निकालना है, उन्हें टैकल करना है, फिर हमारा अटैक करना है और टाइम फेल से भी बचना है। सो गाइस, लेट्स गो फॉर द अटैक। देखिए, आप बेस दिखा रहा हूँ मैं, तो पहले आपको क्वीन चार्ज करना है। तो ये हमने ईगल आर्टिलरी की तरफ से शुरू करना है, और ये हम क्वीन पहले लून्स डालेंगे, इसे हम कहते हैं कोको लून्स। जैसे लून्स आगे गए और सीकिंग माइंड निकला तो हमारे हीलर्स बच जाएंगे, अगर हम बलून्स नहीं ले तो हीलर्स मर जाएंगे। ये हमने सुपर वॉल रेकर्स डाल दिए, उन्होंने वॉल्स तोड़ दिए, सो हमारी क्वीन के लिए एक इजी पाथ बन चुका है। साइड बेस हमने बेबी ड्रैगन से क्लियर कर लिया है, तो देखिए अब हमारी क्वीन सीधा सीधा अंदर जा रही है। क्वीन के हिट पॉइंट्स लो हो तो आप उस पर रेज डाल दीजिए। ये हमने ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉय कर दिए, अभी हम ओनली हमारा क्वीन चार्ज चालू है यहाँ पे। सो गाइस, क्वीन का काम हो चुका है, तो हम अपोजिट साइड से डाल देंगे हमारा सीज बैरेक्स और बार्बेरियन किंग, वो उस साइड के बेस को क्लियर कर देंगे। फिर बीच में जो गैप बचेगा उसमें हम माइनर्स एंड हॉग राइडर्स हमारे डाल देंगे। तो देखिए आप, उन्होंने बेस क्लियर करने दीजिए, तब तक हमने वेट करना है, लेकिन याद रखिएगा इतना भी वेट नहीं करना है कि अटैक फेल हो जाए। सो गाइस, बेस क्लियर हो गया, तो हमने चालू कर दिया हमारे हॉग राइडर्स एंड माइनर्स विद वार्डन। वार्डन एबिलिटी यूज़ करके हमने स्टार्टिंग में ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर लिया है,
फिर अब हमारे हील बचा है, फ्रीज है और पॉइजन। तो मल्टी इन्फर्नो वॉज गिविंग मोर डैमेज, तो हमने फ्रीज यूज कर लिया है, हील डालती रही है। ये देखिए सारे माइनर्स हमारे टाउन हॉल के पास दिख रहे होंगे आपको। तो हम एक हील हॉग राइडर्स पे यूज कर लिया है, एक हील अभी भी बचा है तो हम थोड़ी देर बाद डाल देंगे। पॉइजन से हमने आर्चर क्वीन को डाउन कर दिया है, ये लास्ट हील भी हमने यूज कर लिया। एक विजार्ड बच गया था तो उसे बेस क्लियर करने के लिए कहीं भी डाल दीजिए। ये देखिए कॉर्नर पे मैंने डाल दिया है। सो गाइस आवर अटैक हैज बिकम अ 3-star, जैसे आप देख सकते हैं टाइम हमारे पास बहुत सारा बचा हुआ है। विदाउट अ टाइम फेल हम ये अटैक जीत चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा टाइम फेल होगा तो आपको उससे कैसे टैकल करना होगा। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं अच्छे से आपको बताऊंगा टाइम फेल को कैसे बचाना है। लेट्स गो फॉर द अनदर अटैक गाइस। ये बेस आप देख सकते हैं फुल ऑन एक TH-11 मैक्स बेस है और मेरी ये जो आईडी है वो मैक्स नहीं है, आर्चर पिन मेरी 49 है। सो गाइस आपको अगर ये 3-star करना है तो पहले तो ये है कि आप अपने ट्रूप्स मैक्स करिए। बेबी ड्रैगन मेरा मैक्स नहीं है तो उसे मैं करूँगा मैक्स, और बलून भी एक लेवल अप करना पड़ेगा और विजार्ड भी और हीरोज भी अप करना पड़ेंगे। सो गाइस पहले आप अपने ट्रूप्स मैक्स करिए, ये स्ट्रेटजी आपको बिना टाइम फेल के 3-star दिला जाएगी। लेट्स गो फॉर द अटैक। पहले हमने करना है क्वीन चार्ज, उसके पहले बलून्स डाल दीजिए, वो कोकोलून्स की तरह वे क्लियर कर देंगे। तो हमारे कोई भी सीकिंग माइंस होगी उससे हमारे हीलर्स बच जाएंगे और बेबी ड्रैगन हमने साइड पर डाला है वो बेस क्लियर करेगा। सुपर वॉल रेकर डाल दिया हमने, वो जाके एक वॉल तोड़ देगा, ये उसने काम कर दिया अपना। और वहां पे बेबी ड्रैगन अपना काम करते हुए, देखिए जैसे ही हमारी क्वीन क्लैन कासल के रेंज में आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्लैन कासल में ट्रूप्स है या नहीं। और ये सेकंड वॉल रेकर भी हमने डाल दिया है, उसने भी बेस तोड़ दिया है। तो हमारी क्वीन सीधा अंदर सीसी की रेंज में आ गई है क्वीन, और सीसी है एम्प्टी। सो गाइस हम हमारा अटैक रेस्ट ऑफ द अटैक शुरू कर देंगे, हम डाल देंगे सीज बैरक्स थोड़ी देर बाद। टाइम फेल भी याद ध्यान में रखना है, सो सीज बैरक डाल देंगे हम थोड़ी देर से। ये इन्फर्नो डैमेज दे सकता था तो हमने फ्रीज डाल दिया है। और ये अब बार्बेरियन किंग और सीज बैरक्स अपोजिट साइड ऑफ द बेस, और जो बीच का बेस बच जाएगा वहां से हम डाल देंगे हमारे माइनर्स एंड हॉग राइडर्स। ये देखिए क्वीन हमारी सीधा सेंटर में दिख रही है, उसने क्लैन कासल भी अब डिस्ट्रॉय कर देगी, फिर वो जाएगी टाउन हॉल एंड देन ईगल आर्टिलरी। और ये हमने हमने माइनर्स छोड़ दिए, वार्डन एंड देन हॉग राइडर्स। सो अब ये लोग सीधा अंदर बेस के जाएंगे, हील यूज करिए। सीज बैरक्स में से भी हमारे हॉग राइडर्स निकल चुके हैं। देखिए क्लैन कासल 2 की मैक्स मिलना जरूरी है अगर आपको अटैक 3-star करना है। यहाँ पर मुझे लेवल 7 के हॉग राइडर्स मिले, सो शायद ही अटैक हो पाए हमारे से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये सिंगल इन्फर्नो टावर ने हमारी क्वीन डाउन कर दिए, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हॉग राइडर्स हमारे है और एक हील भी बचा हुआ है तो हम उसे भी यूज कर लेंगे अब थोड़ी देर में। आई हैव 30 seconds लेफ्ट, मुझे लगता है ये अटैक टाइम फेल होगा, देखते हैं क्या होगा। ट्रूप्स तो हमारे बहुत सारे बचे आप देख सकते हैं, माइनर्स बहुत सारे दिख रहे हैं, पैका है, विजार्ड भी है, पर ये अटैक हमारा हो जाएगा टाइम फेल। तो नेक्स्ट अटैक में मैं आपको दिखाऊंगा इस टाइम फेल को कैसे रोका जाए, आपको अटैक 3-star करना है यहाँ पे।
सो गाइज आप ये बेस देख सकते हैं, स्क्वायर बेस है, हम इस पर अटैक करेंगे और देखेंगे कि हम 3 स्टार ले पाएंगे या नहीं विदाउट अ टाइम फेल। सो लेट्स गो फॉर द अटैक गाइज। सीसी की पोजीशन आप देख सकते हैं, मैं उसी साइड से क्वीन वॉक शुरू करूंगा। पहले बलून डाल दूंगा, बेबी ड्रैगन और सुपर वॉल ब्रेकर। वॉल तोड़ चुका है तो हमारी क्वीन सीधा अंदर जाएगी। बेबी ड्रैगन ऑपोजिट साइड का बेस क्लियर कर रहा है और ये हमारी क्वीन सीधे अंदर जाते हुए सीसी की रेंज में जैसे जाएगी क्लैन कासल ट्रूप्स निकल जाएंगे। सो हम उन पे पॉइजन डाल देंगे और रेज हमारी क्वीन पे डालना पड़ेगा। दूसरी साइड से हमने डाल दिया है यहाँ पे सीज बैरेक्स और बारबेरियन किंग और उधर भी सुपर वॉल ब्रेकर एक यूज़ कर लिया है। ये हमारे सीसी में से निकले ड्रैगन और बलून। सो हमने क्वीन पे रेज डाल दिया है। इस साइड का बेस हमारा पैका बारबेरियन किंग और विजार्ड्स क्लियर कर देंगे और ये हमारे सीसी ट्रूप को क्वीन ने डाउन कर दिया है। क्वीन सीधे सीधे अंदर जाते हुए तो हमने हमारा बेस क्लियर हो चुका है। तो हमने माइनर्स एंड हॉग राइडर्स हमारे डाल दिए विद वार्डन। आप देख सकते हैं सब सीधा सीधा अंदर जा रहे हैं ऑल एट द सेंटर ऑफ द बेस। वार्डन एबिलिटी हमने यूज कर ली, ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर लिया। एक रेज बचा था तो वो हमने डाल दिया है ताकि वो स्पीडिली काम कर सके। एक हील बचा है और एक फ्रीज भी बचा है अभी तक और क्वीन हमारी फुल हेल्थ पे। क्या हम यह अटैक 3 स्टार कर पाएंगे गाइस? लेट्स सी। फ्रीज हमने यूज कर लिया है, लास्ट हील बचा था वो भी यूज कर लिया, फिर भी हमारे मेजोरिटी माइनर्स और थोड़े से हॉग राइडर्स बचे क्वीन विद फुल हेल्थ। सो गाइस आवर अटैक बिकम्स हियर 3 स्टार। यो हो, सी द स्पेक्टेटर्स 4-4। इतना अच्छा अटैक था सब देखने आ गए। और ये हमारा अटैक हो चुका है एक 3 स्टार। व्हाट अ वंडरफुल अटैक। लेट्स सी अनदर अटैक। ये आप देख सकते हैं एक एंटी 3 स्टार ब्रेज है वॉर के लिए। इस पे मैं अटैक करूंगा और 3 स्टार लाने की कोशिश करूंगा विदाउट अ टाइम फेल। सो हमने सीसी की पास में डाल दिए है हमारे बलून्स और क्वीन चार्ज कर दिया है। ये हम सीसी की पोजीशन में आ गए तो उसमें से निकले हैं ड्रैगन और बेबी ड्रैगन और ये सुपर वॉल ब्रेकर डाल दिया है, वो वॉल तोड़ देगा। सो हमने क्वीन पे रेज डाल दिया है और सीसी ट्रूप से पॉइजन और ये सीसी ट्रूप हो चुके हैं डिस्ट्रॉय। एक बलून बचा है सिर्फ, वो भी गया। So our queen with full health goes inside the base. Barbarian king को भी down कर दिया उसने। Queen के 8 points down हो रहे थे तो हमने rage डाल दिया है और अब हमारा opposite side का attack शुरू कर देंगे हम। Barbarian king, siege barracks, wizards. जैसे ही वो बेस क्लियर हो जाए तो बीच उधर से हम डाल देंगे हमारे माइनर्स, वार्डन एंड हॉग राइडर्स। सीज बैरक्स में से भी मैक्स लेवल के हॉग राइडर्स निकल चुके हैं और ये मल्टी इन्फर्नो बहुत डैमेज दे सकता था तो हमने फ्रीज डाल दिया है। ये अंदर हिडन टेस्ला के ट्रैप्स है बहुत सारे तो हमने हील यूज कर लिया है और क्वीन भी हमारी उनके साथ है। सो उन्होंने मिलकर ईगल आर्टिलरी डाउन कर दिया। वाओ, सेकेंड इन्फर्नो पे भी हमने फ्रीज यूज कर लिया है। ये हमारे माइनर्स एंड हॉग राइडर्स सब मास बचे हुए हैं सो वो बेस को डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। अब एक सुपर वॉल ब्रेकर हमारा बचा था तो हमने उसे डाल दिया है ऐसे ही। सो गाइस ये अटैक भी हमारा हो जाएगा 3 स्टार। व्हाट एन ऑसम अटैक विदाउट अ टाइम फेल। टाइम देखिए अभी भी बचा हुआ है बहुत सारा और ये अटैक हमारा हो चुका है 3 स्टार। वंडरफुल, लेट्स सी अनदर अटैक। ये हमने बलून डाल दिया है, कुछ निकला नहीं
सो हम क्वीन चार्ज चालू कर देंगे, क्लैन कासल की रेंज में है, क्लैन कासल इज एम्प्टी, सो बेबी ड्रैगन डाल दिया हमने और फिर हमारे हीलर्स डाल देंगे। सुपर वॉल रेकर, सो आर क्वीन गोज इनसाइड। अब देखिए हमारी क्वीन अंदर जा चुके हैं बेस के। वॉल रेकर सही जगह पे यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी क्वीन अंदर नहीं गई तो वो पूरा राउंड घूम लेगी जिससे हमारा अटैक फेल हो जाएगा। सो आपके वॉल रेकर को अपग्रेड कीजिए जिससे सुपर वॉल रेकर को आप अनलॉक कर सके, नहीं हो तो नेक्स्ट अटैक में आपको एक बताऊंगा जिसमें सिर्फ वॉल रेकर यूज करूंगा। क्वीन सीधा सीधा ईगल आर्टिलरी पे जा रही है और वो ईगल आर्टिलरी भी डाउन कर देगी, सो मेन डिफेंस इज डाउन गाइस। व्हाट एन अटैक। क्वीन का काम हो गया तो हमने डाल दिया बार्बेरियन किंग एंड सीज बैरेक्स। सीसी में से कोई ट्रूप्स नहीं निकले तो हमने वो पॉइजन डाल दिया है आर्चर क्वीन के ऊपर। वो बेस क्लियर हो चुका उस साइड का तो हमने डाल दिया माइनर्स, वार्डन एंड हमारे हॉग राइडर्स। लेट्स सी द अटैक विदाउट अ टाइम फेल। क्वीन की एबिलिटी यूज हो चुकी है, इन्फर्नो डैमेज दे रहे थे तो हमने फ्रीज डाल दिया है, अभी भी एक फ्रीज और दो हील बचे तो हमने इन्फर्नो पे डाल दिया और ये हमारी क्वीन हो चुकी है डाउन। लेकिन हमारे सारे हॉग राइडर्स एंड माइनर्स आर अलाइव, सो दे विल थ्री स्टार द अटैक। लेट्स सी। ये सारे माइनर्स आप देख सकते हैं इन्फर्नो की तरफ और हीलर उनको हील दे रहा है। व्हाट एन ऑसम अटैक। माइनर्स, हॉग राइडर्स, वार्डन, पेका, बार्बेरियन किंग ऑल वर्किंग देयर वे टू क्लियर द बेस। अब यहां पे हमारे सिर्फ माइनर्स, बार्बेरियन किंग बचा है और विजार्ड। सो गाइस मुझे लगता है ये टाइम फेल हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत कम टाइम बचा है, माइनर्स बहुत सारे बचे पर ओनली वी हैव 8 सेकेंड्स। और ये अटैक हो गया है हमारा गाइस 98%, बट इट वाज अ टाइम फेल। नेक्स्ट अटैक देखते हैं हम बिना टाइम फेल के। यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ वॉल रेकर्स, जिनके पास सुपर वॉल रेकर नहीं है वो ये अटैक अच्छे से देखेगा कि कैसे आपको वॉल रेकर से अटैक यूज करना है। बेबी ड्रैगन हमने डाल दिया है दोनों साइड, विजार्ड थोड़े डाल दिए, क्वीन चार्ज हमारा, बार्बेरियन किंग भी हमने डाल दिया है बेस क्लियर करने के लिए और ये मल्टी इन्फर्नो डैमेज दे रहा है। ये हमने चार वॉल ब्रेकर्स डाल दिए, वॉल तोड़ दी उन्होंने, तीन अभी भी बचे हुए, ये मल्टी इन्फर्नो जैसे डाउन हो तो हम उसे उन्हें भी डाल देंगे। सुपर वॉल रेकर का क्या होता है, उसके हिट पॉइंट ज़्यादा होते हैं सो वो लास्ट तक बच जाता है, लेकिन वॉल रेकर्स के हिट पॉइंट्स बहुत कम होते और वो तीन चार होते तो हमें सबको बचाना होता है। ये देखिए उन्होंने वो वॉल भी तोड़ दिया है, हमारी क्वीन अंदर चली गई है, ईगल आर्टिलरी हो चुका है एक्टिवेट और हम आ चुके हैं सीसी की रेंज में। सीसी इज एम्प्टी, सो हमने अटैक शुरू कर दिया दूसरी साइड से, माइनस डाल दिए, सीट बैरेक्स, वार्डन, हॉग राइडर सब डाल दिए क्योंकि बेस क्लियर हो चुका है, सब सीधा अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेस क्लियर हो तभी सबको डालिए तो वो सीधा अंदर जाने चाहिए। वार्डन एबिलिटी यूज करके हमने ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर लिया है, तो हमारी क्वीन विथ फुल हेल्थ है, ऑल माइनर्स एंड हॉग राइडर्स आर एक्टिव, सब सीधा अंदर जा रहे, हील अभी भी एक बचा हुआ है, एक पॉइजन भी बचा हुआ है, पॉइजन हमने डाल दिया है, ऐसे ही बच गया ना तो। सो गाइस देख सकते हैं मास्ट माइनर्स एंड हॉग राइडर्स बचे हुए,
पेका भी बचा हुआ है एंड आर्चर क्वीन इज ऑल्सो अलाइव। स्वार अटैक हैज बिकम अ 3-star। वाओ Here goes our attack to an awesome 3-star without a time fail. Let's see another attack Super Wall Breakers के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक anti 3-star base है और वो भी दोनों multi infernos। और ये इसका clan castle एकदम center में है, so अब इसे कैसे tackle करें मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। balloon डाल दिया हमने, archer queen बरून आगे जाके बता देगा कि कोई स्नीकिंग माइंड नहीं है, तो हम हीलर्स डाल देंगे। सुपर वॉल ब्रेकर, वॉल तोड़ दिया उसने और अब साइड बेस क्लियर कर देंगे बेबी ड्रैगन से। सेकंड सुपर वॉल ब्रेकर भी हमने यूज कर लिया है, उसने भी वॉल तोड़ दिए, तो थोड़ी देर बाद हमारी क्वीन सीधा जाएगी अंदर मल्टी इन्फर्नो की तरफ। दूसरी साइड हमने डाल दिया है सीज बैरेक्स एंड हमारा बारबेरियन किंग, वो बेस क्लियर कर देंगे, हमारी क्वीन अंदर जाएंगी और क्लैन कासल ट्रूप्स को निकालेंगी और उन्हें टैकल कर देगी। ये मल्टी इन्फर्नो यहाँ पे बहुत डैमेज दे रहा था तो हमने उसे फ्रीज कर दिया है और एक दो हॉग राइडर्स भी छोड़ दिए और अब हम अंदर जा रहे हैं। देखिए गाइस, हमारी क्वीन सीधा अंदर जा रही है और उस साइड से हमने डाल दिया हमारे माइनर्स एंड हॉग राइडर्स विथ वार्डन। ये क्लैन कासल में से निकला है इलेक्ट्रो ड्रैगन और बलून, लेकिन हमारे माइनर्स और हॉग राइडर्स सेफ है क्योंकि वो अपोजिट साइड है। तब तक हमारी क्वीन ने उन्हें टैकल भी कर दिया। यो गाइस, ये डालना जरूरी था हमारे हॉग राइडर्स एंड माइनर्स को, नहीं तो हमारा टाइम फेल हो सकता था। हील बचा हुआ है अभी भी एक और हमारी आर्चर क्वीन है फुल हेल्थ। तो बस अब हमें ये देखना है कि टाइम फेल ना हो और ये अटैक हम 3-star कर जाए। एक विजार्ड बजा था तो मैंने उसे कॉर्नर में डाल दिया है बेस क्लियर करने के लिए। ये देखिए फुल जूम में आप देखिए हमारे माइनर्स एंड हॉग राइडर्स का काम। कई बार ये होता है कि आपको माइनर्स दिखते ही नहीं है, आप सोचते हैं मैंने माइनर्स तो सब डाले थे, सब अचानक गायब हो गए, तो गाइस वो विश टावर के शिकार हो जाते जिससे वो नहीं बच पाते। तो आप अपने माइनर्स का हमेशा ध्यान रखिएगा और हॉग राइडर्स का भी, उनके हिट पॉइंट्स कम होते हुए दिखे तो उन पे हील डालिएगा। ये देखिए जूम्ड आउट एक्शन ऑफ माइनर्स एंड हॉग राइडर्स, उस साइड का बेस पूरा हमारी क्वीन क्लियर करके आ चुकी है। सो गाइस आवर अटैक बिकम्स अ 3-star हियर। वाह, लेट्स सी अनदर अटैक। ये TH-13 रश बेस है, एक तरह का ट्रैप बेस भी है ये, एक्सपोज इन्फर्नोस। तो हमने डाल दिए हमारे बलून्स बेबी ड्रैगन, स्निकिंग एयर माइंस को चेक कर लेंगे, वो नहीं है तो हमने डाल दिया एक क्वीन विथ हीलर्स। सुपर वॉल बेकर हम डाल देंगे, उसने वॉल तोड़ दिए, सो आर क्वीन गोज इनसाइड। सेकेंड भी हम डाल देंगे, उसने भी वॉल तोड़ दिए, सो गाइस सीधे सीधे हमारी क्वीन अंदर जाएगी, क्लैन कासल की तरफ बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए क्लैन कासल की रेंज में हमारी जैसे क्वीन जाएगी क्लैन कासल रूप बाहर आएंगे और क्वीन जैसे ही उन्हें टैकल कर लेंगी हम डाल देंगे हमारा सीड बैरक्स एंड बारबेरियन। क्लैन कासल इज एम्प्टी, इन्फर्नो बहुत डैमेज दे रहा था तो मैंने उस पर डाल दिया है फ्रीज और ये टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो हमने गाइस हमारा दूसरा साइड का अटैक चालू कर दिया है बारबेरियन किंग एंड सीज बैरेक्स। हमारी क्वीन सीधा सीधा अंदर जा रही है और जो हमने डाल दिया है माइनर्स एंड हॉग राइडर्स, ये बेस क्लियर कर देंगे और सीधे सीधे सब अंदर जाएंगे। मल्टी इन्फर्नो यहाँ बहुत डैमेज दे सकता था तो हमने हील यूज कर लिया है। ये देखिए माइनर्स ने आर्चर क्वीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वार्डन एबिलिटी यूज करके हमने ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर लिया है
रेत बचा था तो हमने डाल दिया है, ट्रूप्स विल एक्ट फास्ट। और ये रॉयल चैंपियन को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो आर माइनर्स एंड हॉग राइडर्स आर ऑल इनसाइड द बेस, और साइड बेस हमारे विजार्ड्स क्लियर कर देंगे। और ये हमारी आर्चर क्वीन भी अंदर है, हॉग राइडर सारे डिफेंसेस डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब तक माइनर्स और विजार्ड्स ने साइड बेस क्लियर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पेका। सो गाइस, अगर आपके ट्रूप्स मैक्स नहीं है तो आप अपने ट्रूप्स को मैक्स कीजिए, अपने हीरोज को मैक्स कीजिए और फिर ये स्ट्रेटजी कीजिएगा। विदाउट अ टाइम फेल आप हर अटैक 3 स्टार कर पाएंगे। इस स्ट्रेटजी को बहुत प्रैक्टिस लगती है। सो कीप वॉच माई वीडियोज 2-3 times एंड प्रैक्टिस इट वेल। सो गाइस, ये आपको इजीली ये स्ट्रेटजी आ जाएगी। वीडियो को 2-3 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंडली चैलेंज लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।